मेरा मन तो है कि एक रात में यहीं बिताऊं। राम राम जी, सारा नव ठीक हो? सारे उम्मीद है सारे ठीक के होंगे। तो जी टाइम हो गया सुबह के 11:16। गलती से मैंने ये बताया कि मैं यहाँ जा रही हूँ, जो हॉस्टल है, जो हॉस्टल नहीं है, ये होम स्टे है। जो हॉस्टल जस्ट इसके सामने वो वाली प्रॉपर्टी जो है ना, वो है। अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, आप लोगों को पता है कैंपिंग का मेन सोच के चली थी, तो अपना ब्रेकफास्ट का सारा सामान मैं साथ ही लेके चलती हूँ। अपना स्टोव रखा मैंने, दूध में बढ़िया अपने ओट्स बना लिए थे, यहीं बैठ के खाए, इतना मजा आया था। गेट खोल दिया, नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आ रही थी। आसपास की जो कुछ चीज़ें यहाँ घूमने की, एक्सप्लोर करने की, वो भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एक तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जब मैंने लास्ट टाइम स्पीति वैली किया था, मैं वहाँ पे नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे आने के बाद भी उसके बारे में पता चला और मैंने यूट्यूब भी किया उस जगह के बारे में। जो स्टोरी है, जो कुछ भी है, वो मैं वहीं जाके दिखाऊंगी। चलते हैं, लॉक लगाना ही भूल गई। अभी मैं जा रही हूँ गुई मोनेस्ट्री। प्योर शायद होता है, तोड़ के लाए हुए हो? कितने देर तक निकाल दोगे? शाम तक हो जाएगा। शाम तक यही मिलोगे? अभी मैं जा रही थी ना गिवी मोनेस्ट्री, तो रास्ते में मुझे शहद निकालते हुए भैया नजर आए, और मेरे को ये था कि मेरे को प्योर शहद चाहिए, जो रसीदा मधुमक्खियों से निकालते हैं, डंक लग जाता तो करके मैं दूर से ही बात करके नंबर ले लिया, लेके जाऊंगी। पहुंच चुकी हूँ मोनेस्ट्री। मैं आ चुकी हूँ अंदर, मम्मी के सामने जस्ट मैं खड़ी हूँ। मैं दिखाती हूँ, मैंने देख लिया है, दांत है, बाल भी है। ये है मम्मी एग्जैक्टली, जो आप लोगों को दिख रही है, ये कहते हैं कि इस आसन में बैठी हुई थी जिसमें अभी हैं। और हैरानी की बात ये है कि इनके दांत अभी तक यू के यू हैं, एंड नेल्स भी बढ़ते हैं इनके, ऑल्सो बाल भी। मुझे नहीं पता कैमरा एग्जैक्ट वो चीज़ कैप्चर कर रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे और यहाँ पे बाल हैं। और जो यहाँ के लोकल्स लोग, उनका कहना है कि टाइम टू टाइम नेल्स भी मतलब ग्रो करते हैं, बाल भी ग्रो करते हैं, और दांत यूं के यूं हैं। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, तब जाके इस चीज को यूं माना गया कि हाँ ये लाइव मम्मी है। पीछे स्तूपा थे जो 1975 के टाइम पे भूकंप आया था, उसमें क्षतिग्रस्त हुए थे। तो 1981 में जब भारतीय बच्चे अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे ना, तो खुदाई के टाइम पे जो इस मम्मी की खोज हुई, जैसे उन्होंने खोदा तो सिर पे कहते हैं कि खून आया था, तो उनको लगा था कि अंदर कुछ ना कुछ है। उसके बाद से फिर 2002 में यूएस की टीम आई थी कैलिफोर्निया से इस मम्मी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो पूरी टीम ने जब रिसर्च किया, ये जो मम्मी है 1430 से तपस्या के आश्रम में बैठी हुई थी और तभी से ये अलाइव है, और उसके बाद से जो है इनकी सेफ्टी के लिए इनको यहाँ पे ऐसे रख दिया। मेरा मन तो है कि एक रात में यहीं बिताऊँ, मतलब मम्मी के साथ में। यहाँ तो नहीं, मतलब अंदर तो मैं नहीं बिता सकती, बट देन यहाँ पे आसपास होम स्टेज या रहने की जगह तो होंगी, लेकिन जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ वो जगह इतनी खूबसूरत है, सारा लगेज वहाँ पड़ा है, तो यहाँ नहीं हो सकता। मोनेस्ट्री जो है ये अभी बंद है, तो ये रूट मैंने लिया था जहाँ से गाड़ी अपनी आई है। वहाँ से आने के बाद अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ताबो मोनेस्ट्री। ऑल्सो मोनेस्ट्री में जो है हम अपने वेस्टर्न मतलब छोटे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, शॉर्ट्स वगैरह, तो मैंने सुबह जो ड्रेस पहना था इसमें शॉर्ट्स था। फिर मैं अपना मतलब मेरा जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ होम स्टे लगभग 2 मिनट भर की दूरी पे था, तो वहाँ से मैं अपना लोअर उठा के ले आई जॉगर, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता थी लेकिन मैं सुबह सुबह भूल गई कि जॉगर साथ उठाऊँ। फिर अभी 2 मिनट लगी तो मैं उठा के ले आई, पहन लिया, तो अब चलते हैं मोनेस्ट्री में अंदर। ताबो मोनेस्ट्री उधर अंदर जाके शूट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी, तो जब मैं गई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं परमिशन उधर जाके शूट करने का, तो बाहर से कर सकते हो। तो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ ताबो मोनेस्ट्री लुक्स लाइक। और जैसे हम हमारे मंदिरों में जाके पूजा पाठ करते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, सेम वैसे ही यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के लोग हिमाचली जो हैं,
वो मोनेस्ट्री में आके बैठते हैं, जैसे बैठने का भी बना रखा है, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठते हैं लोग, मैं अभी यहीं बैठी हुई थी काफ़ी देर तक, और उधर भी बैठने का, उसके अंदर भी बैठने का मोनेस्ट्री में मैंने घूम लिया। यहाँ पे मोनेस्ट्री के पास में दो शॉप है जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो मैंने ये लिया है। एक तो जिस पर लिखा हुआ स्पीति वैली जस्ट फॉर मेमरीज, यादों के लिए तो चीज़ें ही होती है जो जाने के बाद याद आती है। एंड एक ये जैकेट लिया यहाँ से मोनेस्ट्री के पास से, ये मैं आप लोगों को होटल में जाके दिखाऊंगी। पिछले वाले और उससे पिछले वाले व्लॉग पे काफ़ी सारे कमेंट्स इस चीज़ के रिगार्डिंग आ रहे थे कि अब आप कैंपिंग क्यों नहीं कर रहे, हम कैंपिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, कि आपने एक दो दिन किया तो हमें भी मन था कि हम कैंपिंग देखते रहें और करें। तो जब से मैं मतलब अचितकुल से निकली हूँ, तो फर्स्ट डे तो जो था कल्पा में, मैं उस दिन इतनी टायर्ड थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं पर कैंप लगाऊँ। ऑल्सो कैंप का ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जो है देखा और लगा लिया, उसके लिए आपको प्रॉपर साइट चाहिए जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है कि डेली ही कैंपिंग करूँगी, डेली कैंपिंग करने में तो भैया मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब हो जाएगी, थोड़ा तरस खाओ लड़की पे। देख लो अगर आपको चलना है तो चल सकते हो, काम है, गेस्ट आने वाला है। अच्छा गेस्ट आने वाले हैं, वरना राजू जी को जा साथ जरूर लेके जाते। कहीं वो गाना आपके लिए तो नहीं बनाया, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। और सच में मेरे को आपकी स्माइल बड़ी क्यूट लगती है, जब भी मैं इनको देखती हूँ ना मेरे को ये एक बार हंस के दिखाए, जाने का आप बहुत याद आओगे यहाँ से। अभी शर्मा रहे, ठीक है फिर मैं घूम के आती हूँ गुफा के साइड ना, ठीक है। ही इज़ वेरी स्वीट यार, अरे देखते हैं ना, एक कुछ लोगों से ऐसा होता है कि दूर से ही पॉजिटिव वाइब्स, तो ये कुछ ऐसे हैं जब भी देखते हैं ना चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल, मतलब अगर आपके माइंड में कुछ और थॉट्स भी चल रहे ना इनको देखोगे स्माइल आ जाएगी चेहरे पे। थे नाको ताबो, एक एक दिन का स्टे करने लायक जगह। पिछली बार मैंने बहुत भागम भाग में चीज़ें करी थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, मड विलेज है, चंद्रताल लेक है, ये सारी करूँगी मैं इस बार, वो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चलता रहेगा। गाड़ी जो है यहाँ पार्क कर दी है, क्योंकि यहाँ के बाद अभी जो है पैदल चलना है सीढ़ियों से, और वो गुफा उधर मतलब अभी तो पूरी दिख नहीं रही, कुछ ये है कुछ पीछे है। सब जगह सेब के पेड़ दिख रहे हैं, ये पके हुए होते तो कोई फ़ायदा था, खा भी लेते, बिल्कुल हरे पड़े हैं अभी। वहाँ से नीचे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वो रास्ता होते हुए पूरा यहाँ से, और अभी तो मुझे काफ़ी ऊपर और जाना है, ये रास्ता कोई नहीं, आ ही गई हूँ ना तो जाना ही है ना। जब आप बाकी मुझे लगता है आगे भी ऐसे कुछ रास्ता सारा ही है, अब थोड़ा खतरनाक है क्योंकि देखोगे जरा सा भी पैर स्लिप हो जाएगा ना, मैं नीचे दड़ाम से तो वहाँ जाऊँगी। तो गांव भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ऊपर से, तो ना पूरा गांव दिख रहा है इतना बढ़िया। और ये एक और मोनेस्ट्री जहाँ मैंने की स्तूप है यहाँ पे सारे, हम इसे पीछे वाले मोनेस्ट्री में गए थे। ये गुफा बता रहे हैं कि 1000 साल पुरानी ये गुफा है पूरी, अब तो हिस्सों में होगी, टुकड़े हो गए ना ऐसे ऐसे, तो मतलब उस टाइम की कुछ कुछ चीज़ जो निशानी है ना जो आदि मानव उन टाइम पे चीज़ें यूज़ करते थे, तो ऐसा कहते हैं गाँव वाले कि वो चीज़ें यहाँ देखने मिलती हैं। मुझे लगता है अभी तो बंद है, लेकिन मेरा मन है देखने का, थोड़ा सा आगे चाहे 2-4 स्टेप लेके आऊँ, क्योंकि मैंने इतना सुना है ना जब नीचे कि 1000 साल पुरानी आदि मानवों के टाइम की है, तो ये है थोड़ा सा तो पता चले है क्या, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी, 1-2 स्टेप लेके ही देख के आते हैं। चलो जब आप बागी कदे अड़ता मैं भूत नहीं, भूत गया तो नाले चलूँगी कुछ अपने है थोड़ी सी डरावनी, और पूरी डार के काली हो रही भी मैं बाहर जा रही हूँ, इससे आगे नहीं, गंदगी का रिस्क नहीं, वैसे कुछ ये है। और इसी तरीके के आगे भी हैं, बर्तन तो रखा है शायद, एक वहाँ पे बर्तन है पड़ा, तो यहाँ पे मैगी का पाउच भी है, आदि मानव भी मैगी खाते थे क्या। अरे ध्यान से, अरे चोट लग जाएगी ध्यान से, ये देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? करमा। अरे वाह बहुत बढ़िया, छोटा विकेट बड़ा धमाका, सही में। ये बात सही बोली है, बिल्कुल। ये देखना डर भी नहीं लग रहा है इसको, अरे बाप रे अंदर से बहुत ऐसा आती है। आपका क्या नाम है? स्नेहा शर्मा। अरे भाई सो क्यूट, ये है ना कि आप बचपन से यहीं रहे होंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर कहाँ रहे हो? अच्छा आप इधर आए हुए हो अभी? इसका मम्मी जो है ना इसका पापा का भाई है, मम्मी बड़ा बहन। अच्छा इसकी मम्मी पापा की बड़ी बहन है, माइका हुआ ना, मतलब मम्मी का माइका यहाँ है। ओके तो इनकी मदर जो है वो यहाँ से हैं और शादी मनाली हो रखी है। ओके बच्चे बड़े स्वीट थे, देखो कहाँ पहुँच गए।
और आके अपना डिनर भी कर ले, क्योंकि डिनर जो है नीचे ही करा दिया था। स्पीति वैली को तो कहा जाता है एक मेन हब है, कि वहाँ नहीं गए तो क्या स्पीति वैली किया। तो कल वहाँ के लिए निकलना है, सुबह मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, कम से कम 5:30 उठना पड़ेगा ताकि 7:30 लास्ट में यहाँ से निकल जाऊँ। होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हुआ आई थी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, समझ चुके होंगे। एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।